तो यार आज हम बात करेंगे यूज्ड प्लगइन के बारे में। यूज्ड प्लगइन क्या होता है, कैसे काम करता है और हमें क्या क्या फीचर्स इसके जानने जरूरी है। तो यार मैं उसी चीज़ के बारे में बात करूंगा और बताऊंगा आपको कि आपको किस तरीके से यूज्ड प्लगइन में काम करना और कैसे आपको बेनिफिट देगा और कैसे आपकी वेबसाइट उसमें इंडेक्स होगी। तो यार अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है शिवांकर, आप देख रहे हो शिवा हिंदी टैग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। तो आप ये मेरा डैशबोर्ड देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा योस्ट प्लगइन। तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे आओगे तो आप यहाँ देख सकते हो मेरे पोस्ट हैं 102 जिनमें फोकस कीवर्ड मैंने किसी को भी नहीं करा हुआ, यानी कि भी मैंने जस्ट इंस्टॉल किया और उसके बाद इस पर काम कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको जाना है, तो आप यहाँ देख सकते हो नोटिफिकेशन आ चुका है। स्टार्ट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं इसके पहले। तो सबसे पहले जैसे आपका ब्लॉग नया होगा तो यार आपको पता है कि आपने कुछ भी नहीं किया होगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स माय साइट इज़ लाइव एंड रेडी टू बी इंडेक्स तो जाएंगे नेक्स्ट पे। फिर आपकी यहाँ पे पूछता है कि आपकी साइट किस टाइप की है, तो मेरा एक ब्लॉग है, ठीक है। इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट पे। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि आपकी पर्सनल है ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी पर्सनल है। तो यहाँ पर आप जा सकते हैं द नेम ऑफ पर्सन शिवा हिंदी टैग। तो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट पे। तो आप यहाँ देख सकते हो सर्च इंजन विजिबिलिटी, मतलब सर्च इंजन को पता चलना चाहिए नहीं पता चलना चाहिए क्या 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 चीज़ें आप दिखाना चाहते हो। सर्च इंजन शुड बी शो पोस्ट, दिखाना है सर्च इंजन को जी बिल्कुल दिखाना है, अगर हम नहीं करेंगे तो आपका पोस्ट इंडेक्स नहीं होगा। तो ये चीज़ याद रख लेना है, यहाँ पर यस करना है और पेजेस दिखाने हैं तो वो भी आपको यस करना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट की तरफ आएगा आपकी वेबसाइट पर मल्टीपल ऑथर्स हैं तो आप उसे यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। तो मेरे उसमें कोई मल्टीपल ऑथर नहीं है, मैं खुद ही हूँ, नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो टाइटल, वेबसाइट का टाइटल क्या, वेबसाइट नेम क्या। तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट का नाम है शिवा हिंदी टैग जी, बिल्कुल सही है। उसके बाद सेपरेट देने के लिए हमने ये यूज़ करेंगे हाइफन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद सब हो चुका है, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं अगर आपको कुछ और सीखना है तो आप डायरेक्टली यहाँ साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्टली चलते हैं नेक्स्ट पे। तो आपका यहाँ पर हो चुका है सक्सेस, उसके बाद कर दिया हम इसे क्लोज। तो ये आपका पहला स्टेप हो चुका है कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर चलते हैं फीचर्स पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं SEO एनालाइज, आप चेक करना चाहते हो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। पूरी डिटेल्स में आपको बता देंगे ये रीडेबिलिटी कैसी है क्या है उस चीज़ के बारे में, यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद चलते हैं जो मेन चीज़ है मैं आपको बताऊंगा, साइट मैप। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका डायरेक्टली ये साइट मैप खुल जाएगा। इसको करना है आपको सबमिट गूगल वेब मास्टर पर। तो उम्मीद है यार कि आपको इतना तो पता होगा कि आपको किस तरीके से सबमिट करना है। नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी बता दूंगा कि आप अपने जो साइट मैप है उसको गूगल वेब मास्टर में किस तरीके से सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम नीचे नेक्स्ट पे। यहाँ पर से आपको वेरिफिकेशन करवाना है अपना गूगल वेब मास्टर का, कर सकते हो बिंग का कर सकते हो, और इन चारों में से जिसका आपको करना है वो यहाँ पर से कर सकते हो। उसके बाद आती है सर्च अपीरियंस, यहाँ पर से होता है मेन कंटेंट शुरू जो आपको अपनी वेबसाइट में देना है। तो यहाँ पर है टाइटल, हमने जो सेपरेटर होगा ये इस तरीके से होगा, ठीक है। उसके बाद ये टाइटल है हमारा, हमारा टाइटल क्या होगा, साइट टाइटल साइट नेम, फिर पेज, फिर सेपरेटर, फिर टैग लाइन, ठीक है। तो आप इसको चाहते हो कि मेरे को इतना सारा नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, मेरे को चाहिए पेज साइट टाइटल, होम पेज जो होना चाहिए साइट टाइटल, तो आप इसको सेलेक्ट रख सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा साइट टाइटल जाओ। मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी वेबसाइट की डिटेल्स लिखनी है कि आप अपनी वेबसाइट में क्या चीज़ बताते हो, क्या चीज़ वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन में डालनी है। नॉलेज ग्राफ, यहाँ पर आप पर्सन कर सकते हो, यहाँ पर आप अगर आपका लोगो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या आपका कोई लोगो है आप उसे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद चलते हैं हम नेक्स्ट सेटिंग में। तो नेक्स्ट सेटिंग आती है कंटेंट टाइप, कंटेंट किस तरीके का है, ठीक है। पोस्ट का पढ़ सकते हो। सेटिंग फॉर सिंगल URL जो पोस्ट इन सर्च इंजन, यस ये बिल्कुल यस होना चाहिए। डेट इन गूगल प्रीव्यू, इसको आप हाइड करना चाहते हो हाइड कर सकते हो, शो करना चाहते हो शो कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यूज्ड SEO मीटा टैग बॉक्स शो, ठीक है। यहाँ पर SEO टाइटल, जो भी आप आर्टिकल लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर हम बात हो रही है पोस्ट की, आप देख सकते हो पोस्ट की बात हो रही है, जो आप टाइटल लिखोगे वो किस तरीके से होना चाहिए वो चीज़ यहाँ पे बता रहा है। पहले आपका टाइटल आएगा, फिर पेज आएगा, फिर सेपरेटर आएगा यानी कि उसे अलग करने वाला, फिर आएगा साइट टाइटल। तो मैं आपको बोलूँगा इसको चेंज करेंगे हम जाएंगे टाइटल पे,
फिर हम जाएंगे सेपरेटर, फिर हमारी जो प्राइमरी कैटेगरी है यानी कि जिसमें हम टैग कर रहे हैं वो, हम ये तीन चीज़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक उठाएगा, वो ऑटोमेटिक नहीं, आपको डालना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। या आप यूज़ कर सकते हो एक्सपर्ट का, ठीक है। आप जाएंगे, आप इसमें लिख देंगे एक्सपर्ट, ठीक है। आप जैसे ये चीज़ लिखते हो ना, तो उसमें क्या होगा कि जो आपकी वेबसाइट होगी, जब उसमें आप आर्टिकल लिखोगे तो जो ऊपर की जो स्टार्टिंग 140 लाइंस होती है, 140 टू 160 लाइंस, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। तो उसमें आपको फोकस कीवर्ड डेफिनेटली होगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसे उठा ले। अगर आपको पता नहीं है फोकस कीवर्ड, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि एक फुली एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ आपको जानना जरूरी है, उसकी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और आई बटन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात आती है पेज की, पेज को भी आपने सेम चीज़ रखना है। आप यहाँ पर कुछ चीज़ चेंज करना चाहते हो वो चीज़ आप चेंज कर सकते हो, बट मैं पेज का बोलूँगा, पेज का आप ये रहने दे सकते हो सेपरेटर, और यहाँ पर से टाइटल जो पेज का है आपका, फिर सेपरेटर, फिर साइट टाइटल, साइट का नाम, फिर इसे कर देंगे हम डायरेक्टली यहाँ से सेव। उसके बाद चलते हैं मीडिया में, तो मीडिया का यस रहने देंगे, ठीक है, तो फिर कर देंगे सेव। उसके बाद चलते हैं टैग्स पे, तो इसे यस रहने देंगे, ठीक है। सो कैटेगरी इन रिजल्ट यस, और इसको सेम रहने दो, इसको कुछ नहीं छेड़ना है। और यहाँ पर नीचे चलते हैं, यहाँ भी ऑन है, ये चीज़ चेक कर लीजिएगा, ये आपका ऑन होना चाहिए, ठीक है, ये ऑन होना चाहिए, और आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सीधे सीधे जाएंगे, आपको कर देना है इसे सेव। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट में भी आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको इसी तरीके से रहने देना है, और स्पेशल पेजेस हम कुछ बना नहीं रहे तो इसे छोड़ देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, फिर आपको ब्रेड क्रम सेटिंग आपको इनेबल करनी है, आप इनेबल कर सकते हो, डिसेबल करनी है डिसेबल कर सकते हो, तो वो आपको पर डिपेंड करता है, आप जैसे भी करना चाहो वो चीज़ आप कर सकते हो। सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे सोशल में, सोशल में आपको अगर यहाँ पर देख सकते हो, योर वेबसाइट इज़ करेंटली कॉन्फिगर टू रिप्रेजेंट अ पर्सन, तो अब इसे यहाँ से चेंज करना चाहो, फेसबुक ऐड करना चाहो, फेसबुक API ID ऐप आईडी डालना चाहो आप डाल सकते हो, तो जिस हिसाब से आपको सही लगता है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ट्विटर का, और इसी तरीके से यहाँ पे पिंटरेस्ट को आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर हम टूल्स की बात करते हैं, तो टूल्स में आपको यहाँ देख सकते हो, टूल्स आपको मिलता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए, फाइल एडिटर, बल्क टेल, तो यहाँ पर आपको इंटरनल लिंक्स अगर आपको एनालाइज करवाने हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, एनालाइज योर कंटेंट पे जाओगे तो आपको एनालाइज करके ये पूरा बता देगा। उसके बाद हम चलते हैं प्रीमियम में, तब यहाँ देख सकते हो यूज्ड SEO प्रीमियम टेक योर ऑप्टिमाइज टू नेक्स्ट लेवल इंस्टॉल और एक्टिवेट, ठीक है। तो आपको अगर इनमें से और कुछ भी चाहिए आप प्रीमियम यूज़ कर सकते हो, आप जैसे देख सकते हो स्टॉप लूजिंग योर कस्टमर के लिए, ये लोकल का है, तो बट मैं रिकमेंड करूँगा अभी इसकी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए, बेसिक ही यूज़ करो, बेसिक बेस्ट होता है यार, इसमें सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है, और यार रिडायरेक्ट में भी आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, 301 परमानेंट लिंक, जो भी आपको लिंक रिडायरेक्ट करना है वो आप रिडायरेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे देखेंगे रेग रिडायरेक्ट्स, और यहाँ पर बाकी सेटिंग्स आपको देखने को मिला, जिनका मतलब फिलहाल के लिए तो आपके लिए कोई भी मतलब नहीं है। तो आपको मेन चीज़ है फीचर्स में जाना है आपको, और यहाँ से आपको जो साइट मैप है उसको चेक कर लेना है और उसको सबमिट कर लेना है। दूसरा आपको चेक करना है सर्च इंजन में जाके आपकी सेटिंग प्रॉपर है या नहीं है, वो चीज़ ज़रूर चेक करना है, क्योंकि यार अगर आपकी सेटिंग प्रॉपर नहीं होगी ना तो आपकी वेबसाइट में आपको इशू आएगा। तो यार बस यही सब कुछ था इस वीडियो में जो मुझे लगा आप लोगों के साथ करना चाहिए, शेयर मैंने कर दिया है शेयर, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी अगर और डाउट हो तो यार पूछ सकते हो डायरेक्टली इंस्टाग्राम में मैसेज DM कर दो या नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।